आवर चैनल आमची इंदौर। और दोस्तों आज आपको इंदौर की एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हम लोग। तो दोस्तों मैं राजवाड़ा जाती थी अपनी शॉपिंग के लिए, तो मैंने वहाँ एक अंकल जी को आड़ा बाजार में कचौरी सेल करते हुए देखा। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा, वो इतने बुजुर्ग इंसान है वो, जो कि हाथ में बक्सा लेकर, दिनेश जी उनका नाम है दोस्तों, हाथ में बक्सा लेकर वो 5 की कचौरी सेल करते, गर्मा गर्म बिल्कुल। तो वो खाई थी दोस्तों मैंने, मेरे को बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगी थी। तो लगा कि उनके ऊपर एक स्टोरी बनाई जाए। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधे अपन लोग आड़ा बाजार, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं अंकल जी और कचौड़ियाँ सेल कर रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए प्रक्रिया देखेंगे हम लोग, हाँ उनकी प्रोसेस देखते हैं पूरी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। परमानेंट ग्राहक। हाँ यार टेस्ट कैसा है? आगे देखिए, आप भी खाते हैं? बहुत बढ़िया कचौरी रखते हैं, क्या बात है, वो घर घर जाके बेच रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये 2 कचौरी ज्यादा खाता है। अरे क्या बात है भाई, चटनी के साथ कैसी लगी आपको? एक नंबर दिया, एक नंबर, क्या बात है। चटनी की सुविधा बहुत बढ़िया है आपके यहाँ है, रखना पड़ती रोज खाते हैं? हाँ जब आते तब बिल्कुल गर्मा गर्म है। लो सेठ जी बहुत बढ़िया। उसका बाद में ले लेंगे। कितनी? बहुत बढ़िया। एक मिनट बताइए। शानदार कचौरी भैया, शानदार कचौरी मतलब गर्मा गर्म घर पे, गर्मा गर्म 10 रुपये में सस्ती, 2 5 रुपये की एक और क्या चाहिए। धन्यवाद सर, भी अच्छा भैया का, थैंक यू सर। लो नगद पैसे ले लो और क्या। बहुत मेहनत करता है, इसको हमेशा आगे बढ़ाओ, इसकी इतनी मेहनती है। ये दिनेश बहुत आगे बढ़ेगा और अपने घर का ऑर्गेनिक कचौरी बनाता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, काफी बहुत मेहनत कर रहा है। धन्यवाद। थैली आ गई है लोग, क्या बात है। आपने मतलब थैलियों में ही काम हो रहा है पूरा। डाल दो डाल दो, कचौरी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ घर पे बिल्कुल गर्मा गर्म, घर पे गर्मा गर्म। धन्यवाद धन्यवाद। ये खुले पैसे भी रख देते हैं थैली में, देखिए। ऊपर तक भी जाते हो मतलब। पहचान के मिल रहे हैं सब हैं। गरम 10 किलो। अपन गरम 10 किलो। गरम गरम 10 किलो कचौरी। बोलो 10 किलो 10 किलो। कैसी लगती है सर? बहुत लाजवाब रहती है कचौरी, गर्मा गर्म, रोज खाता हूँ मैं तो। क्या बात है, धन्यवाद सर, इनका इंतजार होता हूँ। अच्छा सही बात है, दुकान से ज्यादा सेल तो आपकी है। दुकान से थोक का। अरे 10 किलो 10 किलो का कचौरी। कैसी लगी आपको? एक नंबर लगी, एक नंबर। खाते रहते हो? हाँ खाते रहते, रोज खाते। दोस्तों आइए बात करते हैं। देखा कितनी बढ़िया तरीके से बेच रहे थे और कितनी लगन के साथ दिनेश भाई काम कर रहे हैं। तो दिनेश भाई अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। कचौरी होम जाता हूँ, घर घर जाके बेचते हैं। घर घर जाके बेचते हैं। कितने बजे से आप बेचते हैं? 2 बजे से बेचते हैं। 2 बजे से 1:30 बजे। 1.5 घंटे में खाली हो जाता है। 1.5 घंटे। और सुबह भी जाते हैं? सुबह भी जाते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में रानपुरा। अच्छा, रानपुरा और साइड। मतलब सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप उधर बेचते हैं सब्जी मंडी में, और फिर यहाँ पे 2 बजे से आप राजवाड़ा साइड में बेचते हैं। और कचौरी आप इधर पूरी सेट से उठा लेते हैं? सेट से उठा लेते हैं। तो और कितने कितने की देते हैं? 5 रुपए की बेचते हैं। और कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हो गए 6-7 साल हो गए। इतनी मेहनत करते हैं आप, मतलब पूरा पट्टा लगा के। मतलब आपको लगता तो होगा, मतलब नहीं लगता आपने, ऑनलाइन टाइप चलती है कचौरी। अच्छा, ऑनलाइन आवाज़ लगाओ और थैली आ जाती है ऑटोमेटिक। उससे आपकी आवाज़ में जो दम है, हाँ। वो मैंने देखा, वो मतलब बहुत बुलंद आवाज़ है आपकी। हाँ। मतलब आवाज़ लगाते ही 2-4 थैली ऑटोमेटिक आ जाती नीचे। अच्छा। 10 देना 5 देना 2 देना 1 देना, तो यानी हाथ खाली नहीं रहता है। हाथ खाली नहीं रहता है, वो मतलब कंटिन्यूसली आपके लगातार हाथ चलते रहते हैं। और मतलब आपके घर भी बंधे हुए हैं, मतलब जो कचौरी आपके, मतलब कचौरी की जो आवाज़ गई आई थैली, कचौरी का जो स्वाद है वो आपकी मेहनत से 4 चांद लग गए हैं उसमें। आपकी मेहनत है जिसके वजह से लोग आपको प्यार दे रहे हैं। मतलब लोग, मैंने देखा, मतलब डोली नीचे कर देते हैं। तीसरी मंजिल से आती ही बाल्टियाँ। हाँ, रानीपुरा आप देखो कब्बसी की लाइन साइड में, चाचा लोगों सब बाल्टी लटका देंगे, लटका देते हैं। और आपको कचौरी का इंतजार करते रहते हैं, बस कचौरी आपने डाली और वो ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मैं डेली पैसे का भी उधारी का काम नहीं, हाथों हाथ पैसे देते हैं। बहुत मेहनत है। और तो मतलब घर में और शुरू से क्या कर रहे हैं आप? शुरू से यही वेटर के काम में जाता हूँ। अच्छा, शादी पार्टियाँ अटेंड करता हूँ। ये अभी तो ये ट्रेवल्स पे जाता हूँ मैं। ये काम आपका अभी बढ़िया चल रहा है, मतलब 2 टाइम में आपका निकल जाता है। 400-500 रुपए मिल जाते हैं। खर्चा पानी चलाना पड़ता है। नहीं, सब चीज़ महंगी है, पर आप मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप हमारी युवा पीढ़ी को, साथियों, मतलब इतना बढ़िया एग्जाम्पल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए, लोग साइकिलों पे नहीं बेच पाते, ये पट्टा लगा के। आप सोचिए 200 कचौरी का जो वेट है कितना होता है, साथ में चटनी वगैरह डाल के, पेपर भी है, पेपर के साथ देते हैं। और वो मतलब आप देखिए कितनी मेहनत का काम है। मतलब मैं वाकई में सैल्यूट करता हूँ आपको, और आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अरे आप, और आपकी ये कचौरी मैंने देखी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब वाकई में मैं खुद भावुक हो गया आपकी इतनी मेहनत देख के। मतलब आपने इतना बढ़िया वो कर रहे हैं। आप भी कचौरी खाओ, लो चलो मेरे साथ खाओ। आप आधी कचौरी खाते हैं आप तो एग्जाम्पल हो आप हमारे लिए। साथियों, मैं बता रहा हूँ, इनकी जो कचौरी में जो 5 रुपए की ये कचौरी है, सिर्फ इनकी मेहनत के वजह से इसमें इतना स्वाद आ रहा है। ये जो गली गली जाके जो बेच रहे हैं, वाकई में मेरे को वीडियो बनाने में इनका इतना मज़ा आया, इतना मतलब दिल से खुशी हुई मेरे को। मतलब ना मेरे को इनको देख के थकावट हुई, और इनकी तो एनर्जी की मैं वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, इनकी सोच को। और हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, आगे ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए, जीवन में कभी भी निराश ना हो, और ऐसे ही निरंतर काम करते रहें। और एक बार आप इधर सब्जी मंडी या राजवाड़ा साइड आएँ तो दिनेश भाई से एक बार आप ज़रूर मिलें और मुलाकात करें, आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो सर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मिलते रहेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ कि मतलब आप ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही काम करते रहें, और ऐसे ही हम जैसे युवा पीढ़ी को कोई एक संदेश देते रहें। तो हम इनको आशीर्वाद लेते हैं आपका, और आप प्लीज़ भावुक ना हो। आप तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक सोच का वो विषय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे देशवासियों को, हमारे युवा पीढ़ी को आपसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू आपको, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं। तो साथियों, बहुत मज़ा आया, और आप लोग भी मिलिएगा ज़रूर दिनेश भाई से। धन्यवाद।